दुखड़ा ने माणी दा कोई नहीं जानता, दुखड़ा ने माणी दा कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता दिल कैसे टूटता, दुखड़ा ने का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ। बेटा, गुस्से से ज्यादा उसे अफसोस है। इतना अच्छा रिश्ता नसीब वाली लड़कियों को ही मिलता है। विधि को ना बच्चे, तुमने इनकार क्यों कर दिया? क्यों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। बच्चे, अच्छे रिश्तों की भी तो एक उम्र होती है, फिर वो भी इतना अच्छा रिश्ता। लड़कियों की अगर उम्र बढ़ जाए ना तो आपसे रिश्तों के लिए भी दरवाजे बंद हो जाते हैं। माँ बाप जिन अज़ियतों से गुजरते हैं उन्हें तुम नहीं समझ सकती बेटा, पर खुद लड़कियां क्या महसूस करती हैं उसका अंदाजा तुम्हें नहीं है। तुम्हारे अब्बू भी उस रिश्ते के खत्म होने की वजह से बहुत ही परेशान है। मुझे अम्मी अब्बू के दुख का एहसास है, मेरी वजह से उन्हें जो दुख हुआ है इस बात का भी अफसोस है। मगर जी प्लीज मुझसे इस मौजू पे कोई बात मत कीजिए, कम से कम अभी तो रुकूंगी। भाई, आप कैसे किसी का रिश्ता लेके जा सकते हैं? शाह, मुझे बात नहीं करनी है इस बारे में, सो प्लीज। क्यों नहीं करनी? अब तुम जो चाहोगे वो नहीं होगा। मैंने कहा ना, मुझे बहस नहीं करनी इस बात पे। भाई, अम्मी भी बहस नहीं करना चाह रही है। आपके कहने पर वो गई ना रिश्ता लेकर, अब इनकार हो गया तो बात खत्म हो गई। कहां से बात खत्म हो गई अफशां? जब खुर्रम का रिश्ता आया था 4 महीने लटका के रखा था हमने, तब तो बात खत्म नहीं हुई थी। लटकाया था, इनकार नहीं किया था, आखिर हाँ कर दी थी। तो वो भी हाँ कर देगी, वो भी राजी हो जाएगी। तो क्या आप उसकी मिन्नतें करेंगे, हाथ पैर जोड़ेंगे उसके सामने जाके? भाई, जो भी करना है मुझे करना है ना, तुम लोगों को क्या टेंशन है? आखिर ऐसा क्या नजर आ गया तुम्हें उस लड़की में? हद हो गई है। अरे फायजा उससे लाख दर्जे अच्छी लड़की है। हाँ अच्छी है, एक खोखली हंसी वाली एहसास कमतरी में मुब्तला लड़की से मैं शादी नहीं कर सकता। मानता हूँ कि मरियम के माँ बाप का वो स्टेटस नहीं है जो हम लोगों का, लेकिन मरियम अपनी जात में एक मुकम्मल और इरादों की मजबूत लड़की है, मैं उसी से शादी करूंगा। ठीक है, अगर तुम ये चाहते हो तो कर लो, याद रखना मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी, इसी वक्त अफशा के साथ इसके घर जाऊंगी। अम्मी, अम्मी। भाई, अम्मी जो कह के गई है ना वो कर गुजरेंगी। आपकी खामोशी ने आज मुझे अच्छी तरीके से इस बात का साथ दिला दिया कि अम्मी की आपकी जिंदगी में और दिल में कितनी जगह है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अम्मी ने जो कहा है वो कर दीजिए, और मैं अम्मी को अकेला नहीं छोड़ सकती, ले जा रही हूं मैं उनको अपने साथ। अफशां, लिसन। क्या भाई, आप मानने को तैयार? मैं खुद बहुत परेशान, बहुत उलझा हूँ, और मानता हूँ कि मरियम ने जो कुछ किया वो ठीक नहीं था। तस्नीम, तुमने जो रवैया इख्तियार किया है। रवैया इख्तियार कर लिया? तो जिनको बुरा लगता है वो मेरे सामने ना आए।
वो खाना लगा दिया आज अम्मी आपने। मुझे खाना नहीं खाना। अम्मी मैंने कौन सा इतना बड़ा गुनाह कर दिया जिसके लिए आप मुझसे इतना नाराज हैं? बहुत काबिल हो, पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, मुझे बेवकूफ समझती हो? अच्छा पहले खाना खा लीजिए। मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। क्या हो गया है तस्नीम तुम्हें? आपकी लाडली है, आपने ही सर पे चढ़ाया, भुगती है का सारी जिंदगी। अब्बू क्या मैंने इनकार करके इतना बड़ा गुनाह कर दिया? बेटा तुमने इनकार करके बुरा नहीं किया, लेकिन तरीका गलत था मेरे बच्चे। मैं नहीं चाहती थी ये सिलसिला लंबा चले और उनका यहाँ आना जाना लगा रहे, और तब भी तो मैंने इनकार ही करना था ना। अच्छा तुम यहाँ मेरे पास बैठो। देखो बेटा, हम ना तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ करना चाहते थे और ना चाहेंगे, लेकिन ज़ियान में इस रिश्ते में मुझे कोई इशू नज़र नहीं आ रहा, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें उसके बारे में मालूमात करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसे पूरा शहर जानता है। खैर जो होना था वो तो हो चुका, तुम फिक्र मत करो और परेशान मत हो, तुम्हारी अम्मी को मैं समझा लूँगा। अच्छा ये बताओ बेटा तुमने खाना खाया? जाओ खाना खाओ और सो जाओ, सुबह तुम्हें स्कूल भी जाना है। जाओ मेरे बच्चे। राहों में गार बनकर मुझे खूब रुला रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो गाना गुनगुना रही थी, कुछ पूछ तो नहीं रही थी। इसका मतलब है जरूर कोई बात है। तुम किसी भी इंसान को ना चैन से मत रहने देना। इसका मतलब है आपकी जिंदगी की झील में किसी ने कंकर मार के हलचल मचा दी है। अच्छा हम दिलों का हाल बता सकते हैं। अच्छा बाबूजी तो फिर कुछ और बताइए। आप तो बहुत ऊपर जाएंगी। आपकी शादी होगी ना उसके साथ साथ आपको दुनिया जानने लगेगी। लड़कियां तो इसीलिए जाती ना जुम्मी के पास यही पूछने कि किससे शादी होगी, कब शादी होगी।
जानने के लिए नजूमी के पास आती है। आज तुम्हारा मूड ही कुछ अजीब है। मैं तो आज बहुत खुश हूँ। मेरी तो हमेशा से ख्वाहिश थी कि फाइजा मेरी बहू बने। सच, हम सबकी यही ख्वाहिश थी। चलें जी, अल्लाह का शुक्र है दोनों खानदानों की ख्वाहिश पूरी हुई और आप दोनों माशाल्लाह एक नए रिश्ते में बन गए। बेटा जी, ये रिश्ता बहुत पुराना है। वाकई? अच्छा, ध्यान नहीं है? मैंने तो कहा था। लेकिन मैंने भी कहा था, पर मुझे शदीद हैरत हुई है देखकर कि वो कितना शर्माते हैं। हाँ भाई, माशाल्लाह बहुत सादतमंद और अच्छा बच्चा है। अच्छा भाई, अब आगे का क्या प्लान है? बकायदा मंगनी की रस्में वगैरह कैसे करेंगे? नहीं खुरम, प्लीज मंगनी का प्लान ना करें। मैंने तो बहुत सारी तैयारियां करनी है, इस घर की भी और उस घर की भी। आप प्लीज शादी तक का प्लान रखें। हाँ भाई, आप तो बस शादी की तारीख दें और वो भी अभी। आज और अभी? नेक काम में देर किस बात की? अफशां का रिश्ता लेते हुए यही कहा था ना आपने? हाँ बिल्कुल यही कहा था। अच्छा तो मेरा ख्याल है इस महीने की 27 तारीख डन कर दें। क्यों भाभी साहिबा, अब तो खुश है ना आप? एक काम करते हैं ना, बाकी की सारी रस्में साले साहब को घर इनवाइट। साले साहब? बहनोई कहिए ना। अरे हाँ, बहनोई साहब को। ठीक है, बहनोई साहब को घर इनवाइट करके फिर सब कुछ तय कर लेते हैं। बेटा मुंह तो मीठा करा। ये सब कुछ जो होने जा रहा है क्या ठीक है? जबरदस्ती के इस रिश्ते को क्या सारी जिंदगी निभा सकूंगा मैं? ज़ियान? अरे भाई, सबसे पहले तो गले मिलो मुझसे तुम। बहुत बहुत मुबारक हो। खुर्रम, मैं ना 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 आज मैं शिकायत नहीं करने आया कि क्यों नहीं आए। होगी तुम्हारी कोई वजह भाई, अब तो हमारा रिश्ता ही बदल चुका है। मैं तुम्हारा बहनोई और तुम मेरे बहनोई, बराबरी का रिश्ता हो गया। क्यों? अच्छा भाई ज़ियान, अब मैं खुद आया हूँ तुम्हारे पास तुम्हें इनवाइट करने के लिए। देखो कल रात का खाना तुम हमारे साथ करोगे, अम्मी और फायजा भी आ जाएंगे, बाकी के मामला घर पर तय कर लेंगे। सही है ना? आंटी का आंटी से मिलूँ? मैं अकेला आया। आइए अंदर आइए। आंटी अंकल घर पे? नहीं, अम्मी अबू तो घर पर नहीं है, वो भाई के साथ बाहर गए हैं। मरियम, आप ही घर पर ही हैं, आप अंदर आइए, मैं बुलाती हूँ आप ही को। थैंक यू। कौन आए? सही, जिनके रिश्ते के लिए तुमने मना कर दिया था। कह दो कि अम्मी और अब्बू घर पर नहीं है। वो तो कह दिया, लेकिन वो तुम्हारा ड्राइंग रूम में वेट कर रहा है। तुमने उन्हें क्यों बिठाया? हम ना अब तुम्हारा पूछ रहे थे।
तुम उन्हें कह दो कि मैं अम्मी और अबू के साथ गई हूँ। लेकिन मैंने तो कह दिया कि तुम घर पर ही हो और मैं तुम्हें बुला रही हूँ। मेरे इनकार के बावजूद यहाँ आने का मतलब? बात करने आया हूँ मैं। मेरा नहीं ख्याल कि हमारे दरमियान बात इतने आगे बढ़ी थी कि आपको मुझसे बात करने के लिए यहाँ आना पड़े। इनकार की वजह जान सकता हूँ? मैं बताना जरूरी नहीं समझती। ये इंसल्ट है मेरी। आप गलत समझ रहे हैं। तो तुम समझा दो, मैं कोशिश करूंगा समझने की। मर्दों पर से मेरा एतबार उठ चुका है। तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई तुम्हारी जिंदगी में था जिससे तुमने मोहब्बत की, उसने तुम्हें धोखा दिया। नफरत है मुझे ऐसी फिजूल बातों से। नफरत भी एक एहसास और एक जज्बा है। जब नफरत को समझती हो तो मोहब्बत नहीं समझ सकती थी। सर आपने मुझसे मेरे इनकार की वजह पूछी थी ना, वो मैंने आपको बता दी। मर्दों से तुम्हारा एतबार उठ चुका है और बस। और एतबार भी तभी टूटता है जब किसी पे किया जाए। ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ऐसा है। And I'm sure कि तुमने सुन रखा होगा कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। जो कुछ तुमने मुझसे कहा है उस सब के बावजूद मैं तुमसे ही कहूंगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता हूँ। चाय बस बन गई, देख ली ये ठीक है इतना? अब इसकी जरूरत नहीं आमना। क्यों? क्योंकि जिनके लिए तैयारियां कर रही हो जा चुके हैं। आप ही? आप ही? हद होती है, तुमने फिर मना कर दिया। आखिर तुम चाहती क्या हो? Sweetheart, looking very nice. Thank you. कैसी है मेरी बहू रानी? बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। फूल किस खुशी में? आंटी मैं ज्यान के लिए लेकर आई हूँ। अच्छा ठीक है, रख दो, बस अभी आने वाला होगा। आंटी अगर आप मायना करें तो क्या मैं अपने हाथों से जाके ज्यान के कमरे में सजा दूँ? इसमें माइंड करने वाली कौन सी बात है, जाओ अपने हाथों से सजा दो। थैंक यू सो मच। कभी पूछ रहे थे। इसका मतलब है उन्होंने मरियम के इनकार को इनकार नहीं समझा।
हाँ इसीलिए तो आया था ना। या अल्लाह अब तो कोई रास्ता बना देना। आमीन। अजी अब आप ही मरियम को समझाना, उससे कहना कि किस्मत हमेशा मेहरबान नहीं रहती। अब कि मुझे सख्ती से भी समझाना पड़ा ना उसे, तो मैं उसे समझाऊंगी। किस्मत हो इस तरह पसंद कर लिया हजरत ने। एक मोहतरमा अम्मी के साथ जाती हैं, इन्हें अम्मा साहबा पसंद करके अपने बेटे का रिश्ता ले आती हैं। आपको तो साहिब आला ने खुद पसंद फरमा लिया। जान छुटी ट्रेप पकड़ पकड़ के ड्राइंग रूम में जाने से। वैसे लिफ्ट तो तुमने भी जरूर कराई होगी। आपा ने मिलवाया तो मैंने भी मुस्कुरा के सलाम दुआ कर ली। जी मैंने बुलाया था, आप उन्हें बिठाइए, मैं बस आ रही हूँ। कोई प्रॉब्लम बनी हो? हाँ एक इतना इंटेलिजेंट बच्चा है, पता नहीं उससे कुछ दिनों से क्या हो गया, सारे टेस्ट में उसके 0 मार्क्स आ रहे हैं। इसलिए मैंने उसके पेरेंट्स को बुलाया था। मैं आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो आप शाहजेब की बताएं। जी शाहजेब का ध्यान काफी दिनों से पढ़ाई की तरफ नहीं है, इसलिए मैं जानना चाह रही थी कि ऐसे क्या हो जाए। लेकिन अब समझ आ गया है अपने बच्चे से ज्यादा दूसरी तरफ। भाभी मैं सोच रही थी कि मैं अपनी वेडिंग ड्रेस की जो शॉपिंग है वो ज़ियान की मर्ज़ी से उनके साथ करना चाहती हूँ। इनफैक्ट मैं अपनी शादी की सारी शॉपिंग उनके साथ करना चाहती हूँ। भाई और तुम्हें शॉपिंग कराएंगे? हाँ। इम्पॉसिबल, उन्होंने मुझे और अम्मी को कभी शॉपिंग नहीं कराई। क्या मतलब है, शादी के बाद वो मुझे कभी शॉपिंग पे नहीं लेके जाएंगे?
नहीं, शादी के बाद तुम उनको चेंज कर देना ना, अपने जैसा बना लेना। अरे प्लीज प्लीज, एक बार आप फोन करें ना, प्लीज प्लीज। मैं? हाँ। नो वे, तुम्हारे पास उनका नंबर है, खुद ही फोन पे बात कर लो। फाइजा बात कर रही हूँ। और कितने नंबर है आपके पास? तस्वीर पसंद आई आपको? मुझे ऐसी हरकतें पसंद नहीं है। एनीवे, किस लिए फोन किया? ज़ियान, मैं शादी की शॉपिंग आपके साथ करना चाहती हूँ। सॉरी, मेरे पास वक्त नहीं है। आई मीन आई एम बिजी। कोई बात नहीं, बस कुछ दिन की बात। आप भी मेरे और आपका सारा टाइम भी मेरा होने वाला है। मुझे बदलना तो पड़ेगा ही आपको। तुम्हें पता नहीं क्या सोची थी तुम इतनी दूर इस रेस्टोरेंट में लेकर आ गई हो। तो तुम्हें क्या फिक्र है? मुझे फिक्र इस बात की है कि आपके आधे महीने की तनख्वाह ना यहाँ के एक दिन के लंच में चली जाएगी। तुम टेंशन मत लो, जस्ट रिलैक्स, बस तुम मुस्कुराते रहो। हाय। अगर मैं तुम्हें बता देती तो फिर तुम यहाँ कैसे आते? आयशा का कोई कसूर नहीं है। मैंने इन्हें बहुत प्रेशराइज किया था कि मैं एक दफा आपसे मिलना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। क्या चाहते हैं आप? बताया तो था आपको, आपसे शादी करना चाहता हूँ। ये सिर्फ आपकी जिद है। मेरी मोहब्बत। सॉरी, एक्सक्यूज मी। अगर ये कहूँ कि बहुत सारी लड़कियाँ मुझसे शादी करना चाहती हैं तो ये बात गलत है। तो आप उनमें से किसी एक से कर लीजिए ना। नहीं कर सकता। ये मेरा मसला नहीं है। मेरा मसला है? वो सब मेरे मेयार पे गिरता है। मरियम प्लीज, मरियम लिसन। सॉरी, एक दफा मेरी बात तो सुन। मैं आपसे इस बात का वादा नहीं करता कि मैं दुनिया की सारी खुशियाँ ला के आपके कदमों में रख दूंगा, लेकिन ये बात दावे से कह सकता हूँ कि मैं आपको बहुत खुश रखूँ। श्योर आप मुझसे बहुत गुस्सा आ रहा होगा। अगर मैं भी आपकी जगह होता तो शायद इसी तरह से रिएक्ट करता, कि ये आदमी तो हाथों में पीछे पड़ गया, बगैर बताए घर आ गया रिश्ता लेके। और लेकिन क्या करूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा सीरियसली कि आपके अंदर कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी कशिश है जो बार बार मुझे आपकी तरफ खींचती है। जिंदगी आपकी है, फैसला आपने करना, आखिरी फैसला आपका होगा। मैं कोई आपको प्रेशराइज नहीं कर रहा, बट ये मैं जरूर कह सकता हूं कि मैं ऐसा चाहता हूं कि हम दोनों सारी जिंदगी साथ गुजारें, एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते। एक दफा मेरा एतबार तो है। आज के लिए इतनी क्लास काफी है। थैंक यू आयशा। अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं आपको घर तक ड्रॉप कर देता। जी ठीक है। नहीं, थैंक यू सो मच, हम खुद चले जाएंगे। चले, मैं अपनी गाड़ी तक तो आप लोगों के साथ चलूंगा। लोगों को परेशानी किस बात की है? हमें कुछ नहीं चाहिए। आंटी जी, अम्मी ने भी आपसे यही कहा था, लेकिन आपने तो घर के साथ सारा कुछ जहेज में दे दिया।
बेटियों को जहेज देने में बहुत खुशी होती है। मेरी तो यही ख्वाहिश है कि मेरे भाई और मेरी भाभी हमेशा हमेशा के लिए खुश रहें। आमीन। भाई मैं तो अपनी बहन की शादी बहुत धूमधाम से करूंगा। शादी से 15 दिन पहले ढोलकी स्टार्ट हो जाएगी और 6 दिन पहले मेरी बहन मायू बैठेगी। बहुत अच्छे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये ज़ियान साहब ने भेजा है मरियम मैम के लिए। कोई रिश्ता कोई ताल्लुक ही नहीं बना था उसके साथ। सिर्फ मेरे इनकार पर क्यों उस तरह से मुझे परेशान कर रहा है? कितना फर्क है दोनों में। इनकार तो मैंने ज़ियान के रिश्ते से भी किया था, मगर वो तो मेरे इनकार के बावजूद भी बार बार एक ही बात, मैं आपसे शादी। ये फूल आप मेरे लिए लाई? नहीं, मैं नहीं लाई, किसी ने भिजवाए। किसने भिजवाए? मैं तुमसे बात करना चाहती थी, तुम्हें समझाना चाहती थी, लेकिन शायद अब रायान के भेजे हुए ये फूल तुम्हें सारी बात समझा दे। सिर्फ और सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्यारी लग रही है माशाल्लाह, किसी की नजर ना लगे। अगर आपके भाई की नजर लगे तो भाई खुद उतार देंगे। अच्छा अफसर, तुम्हारे मायू में सिर्फ एक हफ्ता रहेंगे और हमने उससे पहले पहले सारे काम निपटाने हैं। रोज बाजार के चक्कर लगेंगे फायजा। वो तो लगेंगे, लेकिन आज नहीं हो पाएगा क्योंकि आज मेरे दोस्त आ रहे हैं ना। नहीं नहीं ऐसा मत करो, तुम्हारी ब्यूटिशियन से मैंने बहुत मुश्किलों से टाइम लिया है। प्लीज यार। ठीक है, फिर मैं फोन करके मना कर देती हूँ, आपके साथ चलती हूँ। ओके ग्रेट, अब तुम जल्दी से तैयार होकर नीचे आ रहा हूँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही मरियम। काशी फूल मैंने आपको पहली मुलाकात में पेश कर दिया, लेकिन आज खास तौर पे इन फूलों को भेजने की वजह ये कि उस शख्स से मिलने के बाद आप काफी अपसेट हो गए। शायद इन फूलों को देख के आप फिर से फ्रेश हो जाएं। वो असल उमर था जिससे आपका रिश्ता हुआ था और फिर आपने इनकार कर दिया। आपको कैसे पता चला? आयशा ने बताया। आयशा ने? मरियम दुनिया वालों की बातों के
परवाह मत किया कर। ये कभी भी दूसरों को खुश नहीं देख सकते। लेकिन एक बात कहूं आपसे, आप हमसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। हंसती मुस्कुराती बहुत प्यारी लगती हैं आप। Anyway, forget about it. जो हुआ उसे भूल जाइए और खुशियों को हमेशा वेलकम कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर व्हाट? आपकी ये सारी अच्छी बातें मैं याद रखूंगी और अगर कभी भूल भी जाऊं तो आप याद दिला दीजिएगा। लेकिन मैं, यू मीन आप कहना चाह रही हैं कि जी जो आप समझ रहे हैं वही मतलब है। मेरी अल्लाह ताला से ये दुआ है कि आपके दिए हुए ये फूल कभी ना मुरझाए।